बिहार में विधानसभा चुनाव 2020 के नतीजों के बाद से जेडीयू और एलजेपी में तकरार जारी है। बता दें, विधानसभा चुनाव में आरजेडी और बीजेपी के बाद तीसरे नंबर पर जेडीयू रही थी। नीतीश कुमार की पार्टी जेडीयू को कई सीटों पर चिराग पासवान की एलजेपी की वजह से भी हार का सामना करना पड़ा था। तभी से ही बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार और चिराग पासवान में जंग छिड़ गई है। ऐसे में अब खबरें आ रही हैं कि नीतीश कुमार ने चिराग पासवान से बदला लेने का मन बना लिया है। एलजेपी के एकमात्र विधायक राजकुमार सिंह पर अब नीतीश कुमार की नजर है। सूत्रों के मुताबिक नीतीश कुमार विधायक राजकुमार को अपनी पार्टी का हिस्सा बनाना चाहते हैं। दरअसल नीतीश कुमार के करीबी कहे जाने वाले मंत्री अशोक चौधरी के घर में एक कार्यक्रम का आयोजन हुआ, जिसमें नीतीश कुमार और राजकुमार सिंह दोनों ही पहुंचे। तभी से राजनीतिक गलियारों में ऐसी खबरें आ रही थीं कि इस कार्यक्रम में दोनों नेताओं के बीच पार्टी को बदलने की चर्चा हुई होगी। वहीं राजनीतिक गलियारों में ऐसी खबर भी थी कि लोजपा के विधायक राजकुमार सिंह ने नीतीश कुमार का प्रस्ताव मान लिया है। हालांकि राजकुमार ने ऐसी खबरों पर रोक लगाते हुए साफ कहा कि वे जेडीयू में शामिल नहीं हो रहे हैं। वे इस कार्यक्रम में सिर्फ इसलिए आए थे क्योंकि उनके अशोक चौधरी से बहुत पुराने संबंध हैं। उल्लेखनीय है कि हाल ही में बिहार में बहुजन समाज पार्टी के एकमात्र विधायक जमा खां जेडीयू में शामिल हो गए हैं। इसके बाद लोजपा के एकमात्र विधायक राजकुमार सिंह के जेडीयू नेता अशोक चौधरी से मिलने के बाद चर्चा का राजनीतिक बाजार गर्म है। बिहार विधानसभा चुनाव में जेडीयू को 43 सीटें मिली थी, लेकिन जमा खां के जेडीयू में शामिल हो जाने के बाद जेडीयू के विधायकों की संख्या बढ़कर 44 हो गई है। बता दें, राजकुमार सिंह बिहार विधानसभा चुनाव में बेगूसराय के मटिहानी सीट से चुनाव जीते हैं।